माननीय अध्यक्ष जी, जब तथ्यों के आधार पर बात टिकती नहीं है तो ऐसा होता है जो अभी देखा, आशंकाओं को हवा दी जाती, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलन जी भी पैदा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है, लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताए। तीन किसान कानून की बात हो और दंगावाद लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में टोल प्लाजा, इस देश में टोल प्लाजा, इस देश में टोल प्लाजा सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है, और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है, और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है, और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, गुमराह करना और देश को दबोच करके रख देना, देश बहुत बड़ा है, देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाएं बहुत है, और उनको लेकर के हमने आगे बढ़ना है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।